हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। दोस्तों, श्रीदेवी के निधन के बाद कपूर परिवार के साथ साथ पूरा बॉलीवुड सदमे में है। जी हाँ, पहले बोनी कपूर, फिर जानवी कपूर और फिर अंशुला कपूर के बाद अब अर्जुन कपूर ने इस मामले में पहली बार बयान दिया है। अपने सोशल अकाउंट में अर्जुन ने एक पोस्ट किया है जिसे पढ़ने के बाद आप बेशक अर्जुन के फैन हो जाएंगे। जैसा कि बता दें आपको कि अर्जुन ने इस पोस्ट में लिखा है, आप साहसी हैं क्योंकि जिंदगी आपको हौसला हारने की सारी वजह देती है, लेकिन आप उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। अर्जुन की इस पोस्ट से तो यही लगता है दोस्तों कि उन्होंने ये मैसेज अपने पिता बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटियों जैसे कि जानवी कपूर और खुशी कपूर के लिए लिखा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस समय श्रीदेवी की निधन की खबर आई उस वक्त अर्जुन अमृतसर में नमस्ते इंग्लैंड की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन मौत की खबर मिलते ही वो शूटिंग छोड़ मुंबई पहुंच गए। उसके बाद जब श्रीदेवी की पार्थिव शरीर को दुबई से भारत लाने में मुश्किल हो रही थी, तब अर्जुन ही थे जो अपने पापा का सहारा बनकर दुबई पहुंच गए थे। जैसा कि बता दें आपको कि श्रीदेवी की पार्थिव शरीर को दुबई से लाने में मदद से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक अर्जुन कपूर ने एक अच्छे बेटे होने का फर्ज अदा किया है। जी हाँ, अर्जुन श्रीदेवी की अंतिम यात्रा में अपने पापा और जानवी खुशी के साथ खड़े नजर आए थे। आपको बता दें कि अर्जुन और अंशुला दोनों ही बोनी कपूर के करीब है, लेकिन श्रीदेवी और उनकी दोनों बेटियों से इनके रिश्ते ठीक नहीं थे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि श्रीदेवी के निधन के बाद अर्जुन और अंशुला ने बोनी कपूर, जानवी और खुशी कपूर को लगातार सपोर्ट भी किया। श्रीदेवी के अंतिम संस्कार के दौरान अर्जुन अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी नजर आए थे। दोस्तों, आगे की ऐसी खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।